एक ट्रिपल कैमरा सेटअप और 50,000 रुपए की कीमत वाला OnePlus 7 Pro अपने साथ के बजट फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। नया Google Pixel 3a जिसका कैमरा Pixel 3 के समान है और Galaxy S10e भी है जो वास्तव में OnePlus 7 Pro से 12GB वाला जो वेरिएंट है उससे थोड़ा सा सस्ता है। फिर iPhone XR और Honor View 20 है। ये सभी फोन अपने कैमरा के कारण शीर्ष स्थान पाने की कोशिश में है। बेस्ट कैमरा के मामले में किसे मिलना चाहिए नंबर वन का ताज, वही बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इनकी कड़ी टक्कर में किसकी होती है जीत। OnePlus 7 Pro OnePlus का अब तक का सबसे ज्यादा दिलचस्प स्मार्टफोन है। पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं, एक 48 मेगापिक्सल सोनी IMX 586 सेंसर और OIS साथ ही EIS और आधा इंच सरफेस एरिया को घेरे हुए और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है। दूसरा जिसमें OnePlus के अनुसार 3x ऑप्टिकल जूम और OIS मौजूद है। तीसरा है 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा 2mm फोकल लेंथ और 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। इसमें OnePlus 7 Pro अपने ट्रिपल कैमरा के साथ शीर्ष पर है जहां इसके मुकाबले में तीन कैमरा वाला Galaxy S10 है, सिंगल कैमरा वाला Pixel 3a है और iPhone XR और ड्यूल कैमरा के साथ Honor View 20 है। हमने बेस्ट कैमरा जांचने के लिए उसी स्कोरिंग स्कीम का इस्तेमाल किया है जो हम कैमरा रिव्यू के लिए करते हैं, डे लाइट और लो लाइट में कैमरा की परफॉर्मेंस। 115 में से मापा गया इसका टोटल परफॉर्मेंस, जबकि फ्रंट कैमरा का मूल्यांकन जो है वो 95 पॉइंट्स में किया जाता है। अलग अलग फ़ोन में अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो और नाइट मोड कंपेयर करने के लिए चेक करने के लिए हमने कुछ अलग अलग टेस्ट भी किए। OnePlus 7 Pro द्वारा खींची गई सभी फोटो में कलर डिस्टॉर्शन पाया गया, लेकिन हम यहाँ फोटोज़ के कलर्स को इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्यान डिस्प्ले पर है जहाँ Galaxy S10 में OnePlus 7 Pro की तुलना में थोड़ी ज़्यादा डिटेल है। जूम इन करने पर Pixel 3a की डिटेल थोड़ी बिखर जाती है, लेकिन iPhone XR और Honor View 20 में काफ़ी शार्पनेस है, लेकिन S10 जितने फिर भी नहीं है। Galaxy S10 फोटो में सबसे ज़्यादा डिटेल निकाल कर दिखाता है। ऑब्जेक्ट की तस्वीर सूरज के बिल्कुल सामने खींची गई है। इसमें S10 ने रंगों को खूबसूरत तरीके से उभार कर सर्वोत्तम परिणाम दिए हैं और iPhone XR इसमें दूसरे नंबर पर है। OnePlus 7 Pro और बाकी काफ़ी डार्क हैं, लेकिन क्या आपने Galaxy S10 की तस्वीर में इमारत के चारों तरफ के हैलो को देखा? Pixel 3a और OnePlus 7 Pro आसमान के रंग को दूसरे फ़ोन से बेहतर दिखा पाता है। Galaxy S10 और iPhone XR दोनों वार्म कलर दिखाते हैं, जबकि Honor View 20 और Pixel 3a अंडर एक्सपोज्ड दिखाते हैं। तो अब करते हैं इवेल्युएट कैमरा की डेलाइट परफॉर्मेंस और देखते हैं इसका टोटल स्कोर। यहां Galaxy S10 99 अंकों के साथ सबसे आगे है, जबकि iPhone XR 96 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आता है और अंत में OnePlus 7 Pro और Pixel 3a के बीच में टाई है। अब आइए लो लाइट फोटोज को देखते हैं। लो लाइट में Pixel 3a में डिटेल्स एकदम परफेक्ट मिली, शार्प एजेस सबसे बेहतर Pixel कैमरा ने दिखाए, लेकिन OnePlus 7 Pro भी इसके काफ़ी करीब है। इसने नाइट मोड को ऑन किए बिना ही काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर की हैं, लेकिन यहाँ Pixel 3a की तुलना में थोड़ा डार्क है। iPhone XR ने हाइलाइट्स को क्लिप कर दिया, जबकि Honor View 20 अंडर एक्सपोज्ड दिखाता है। Google Pixel 3a एक बैलेंस्ड शॉट लेने के लिए सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। OnePlus 7 Pro ने शॉट में एक हायर डायनामिक रेंज भी हासिल की। iPhone XR कंट्रास्ट को बढ़ा देता है, जबकि Galaxy S10 अच्छा एक्सपोजर लेता है, लेकिन डिटेल थोड़ा कम दिखाता है। iPhone XR ने कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा दिया था, लेकिन डिटेल के आधार पर इसे थोड़ा हम कम कह सकते हैं। Honor View 20 इसमें सबसे ज़्यादा डार्क दिखा रहा था। OnePlus 7 Pro और Galaxy S10 दोनों ही हाईली सैचुरेटेड कलर्स के साथ सबसे ब्राइट फोटो दिखाते हैं। S10 के रंग भी वार्म हैं। View 20 की फोटो डार्क है, कूल है, जबकि iPhone XR फोटो का बड़ा ही संतुलित आउटपुट देता है। दूसरी ओर Pixel 3a अंडर एक्सपोज्ड नजर आया। अब देखते हैं कि इन परीक्षणों के बाद कौन सा फोन किस पायदान पर है। 97 अंकों के साथ Pixel 3a विजेता है, सिर्फ एक पॉइंट के डिफरेंस से दूसरे स्थान पर है Galaxy S10।
फिर है आईफोन XR और उसके बाद है OnePlus 7 Pro और इसमें फर्क काफी कम है। फेशियल डिटेल को संभालने या संरक्षित करने में सबसे अच्छा है Pixel 3 है, लेकिन इसका व्हाइट बैलेंस सही नहीं कहा जा सकता। OnePlus 7 Pro चेहरे को थोड़ा हाईलाइट कर देता है, जबकि आईफोन XR एक बार फिर से बैलेंस्ड आउटपुट देता है। व्यू 20 की सेल्फी किसी वजह से फेडेड और फीकी दिखती है। गैलेक्सी S10 भी सेल्फी को काफ़ी स्मूथ कर देता है, लेकिन फोटो ब्राइट और वाइब्रेंट दिखाता है। फ्रंट कैमरा में पिक्सल 3A और आईफोन XR जो है वो 85 अंकों के साथ जीतता है। इसके बाद गैलेक्सी और OnePlus 7 Pro हैं। OnePlus 7 Pro और Honor View 20 दोनों ही 48 मेगापिक्सल शॉट्स लेने में सक्षम हैं, लेकिन 48 मेगापिक्सल मोड में View 20 की परफॉर्मेंस OnePlus 7 Pro से कहीं बेहतर है। View 20 के 48 मेगापिक्सल शॉट में OnePlus 7 Pro की तुलना में बहुत ज़्यादा डिटेल है, जबकि OnePlus 7 Pro में डिटेल्स फेडेड दिखती हैं और हाईलाइट्स भी क्लिप कर दिए जाते हैं। Pixel 3A का नाइट साइट फीचर अद्भुत काम करता है और यह तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है। OnePlus 7 Pro भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन टॉप पर बैकलिस्ट टेक्स्ट के आसपास थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आता है। Honor View 20 दोनों की तुलना में काफ़ी डार्क दिखाता है और इसकी डिटेल्स OnePlus 7 Pro की तुलना में काफ़ी धुंधली है। Galaxy S10 और OnePlus 7 Pro दोनों ही अल्ट्रा वाइड के लिए नए हैं, लेकिन Samsung आगे बढ़ने के लिए तैयार है। Galaxy S10 और OnePlus 7 Pro दोनों में डेलाइट वाइड एंगल शॉट्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन Galaxy S10 गुलाबी रंग की बिल्डिंग के साथ नीले और पीले रंग को उभार कर एक बेहतर तस्वीर सामने रखता है। कम रोशनी में दोनों में से कोई भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, लेकिन अगर हमें दोनों में से एक को चुनना हो तो हम गैलेक्सी S10 को चुनेंगे। इसमें हमें डिस्टॉर्शन कम दिखाई दी और फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा है। गैलेक्सी S10 का टेलीफोटो लेंस डे लाइट और लो लाइट दोनों में शार्प है। S10 से कंपेयर करें तो OnePlus 7 Pro की फ़ोटो को जूम करने पर वो डल दिखाई देती है। गैलेक्सी S10 फोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग करके उनकी शार्पनेस को बढ़ाता है। पूरे स्कोर्स को मिलाएं तो सैमसंग गैलेक्सी S10 325 अंकों में से 276 अंक प्राप्त करके विजयी हुआ। गैलेक्सी S10 का ट्रिपल कैमरा ज़बरदस्त डिटेल, एक्सीलेंट डायनेमिक रेंज और क्विक ऑटो फोकस से लैस है। गूगल पिक्सल 3A का कैमरा, जो कि पिक्सल 3 में भी है, वो 272 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आईफोन XR जो आईफोन XS के कुछ कैमरा ट्यूनिंग भी साथ लेकर आता है, वो 268 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अब OnePlus 7 Pro 257 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और Honor View 20 242 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। हालांकि OnePlus 7 Pro कैमरे के प्रदर्शन से साबित होता है कि कंपनी को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कैमरा की परफॉर्मेंस OnePlus 60 से काफ़ी बेहतर हो गई है। वाइड एंगल और टेलीफोटो लेंस तीसरे कैमरा से ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन है। आप ये सारी इमेजेस इसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन में खुद देखकर चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्लिकर गैलरी में जाएं और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपके अनुसार कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा है। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।